एक व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि अटन या टंस ऑफ क्या है, यानी हमें स्पोकन इंग्लिश में कब बोलना चाहिए, अटन ऑफ या टंस ऑफ। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। अटन ऑफ या टंस ऑफ का मतलब होता है बहुत ज्यादा या बहुत, यानी अलॉट ऑफ के जगह पर आप अटन ऑफ या टंस ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखें ताकि आपको ये बात शानदार तरीके से मालूम हो सके। अगर आपको कहना हो वह बहुत ज्यादा पैसा कमाया या वह बहुत ज्यादा पैसा बनाया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही मेड अ टन ऑफ मनी, यानी वह बहुत ज्यादा पैसा कमाया या वह बहुत ज्यादा पैसा बनाया। अगर आपको कहना हो मेरे पास बहुत ज्यादा चावल है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव अ टन ऑफ राइस। आप ये भी कह सकते हैं आई हैव टन्स ऑफ राइस, यानी मेरे पास बहुत ज्यादा चावल है। हो सकता है कि आप ये सोचें कि कब हमको बोलना है अटन ऑफ और कब हमको बोलना है टन्स ऑफ। तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहूंगा ये इंटरचेंजेबल हैं और ये हर तरह के नाउन, यानी काउंटेबल या अनकाउंटेबल, सभी तरह के नाउन के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी अगर आपको अटन ऑफ का इस्तेमाल आसान लग रहा है तो आप अटन ऑफ का इस्तेमाल करें, या अगर आपको टेंस ऑफ का इस्तेमाल इजी लग रहा है तो आप टेंस ऑफ का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये इंटरचेंजेबल हैं। मेरे पास बहुत सारे दोस्त थे, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैड अ टन ऑफ फ्रेंड्स। आप ये भी कह सकते हैं आई हैड टन्स ऑफ फ्रेंड्स, यानी मेरे पास बहुत से दोस्त थे। आज मेरे पास बहुत काम है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव अ टन ऑफ वर्क टुडे, यानी आज मेरे पास बहुत ज्यादा काम है। अगर आपको कहना हो उसके पास बहुत ज्यादा हिम्मत था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही हैड टन्स ऑफ क्रेज, यानी उसके पास बहुत ज्यादा हिम्मत था। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप अटन ऑफ या टन्स ऑफ का इस्तेमाल शानदार तरीके से सीखे, कि इन दोनों का इस्तेमाल आप अलॉट ऑफ यानी बहुत ज्यादा के सेंस में करते हैं। अगर वाकई आपको यह कंसेप्ट समझ में आया तो क्या आप कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।